बेवारिस मरहूमीन, बानियान मजलिस के जो मरहूमीन हैं और ख़ास तौर पर मिल्लत तशय्यो के जो शुहदा हैं, मरजाए कराम हैं, उन सब के बुलंदी दर्जात के लिए एक मरतबा अलहम्द और तीन मरतबा सूरह इख़लास। दुरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाजिल फराज हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वलाक़िबतुल्मुत्तकीन, वनारुल्मुहलदीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। خير المبشرين والمنذرين نبي المذنبين نبينا أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المتين والفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق صلوات दाचिल फराज हूँ, मजलिस की कबूलियत के लिए एक मरतबा बावाज़े बुलंद सलावात। दाचिल फराज मोमिनाते गिरामी अय्याम फातिमिया, तकरीबन 13 जमादुल अव्वल से आप जिक्र जनाब सैयदा सुन रहे हैं। ये अय्याम काजियुल हाजात अय्याम, यानी कि दुआओं की कबूलियत के अय्याम। रहबर मुअज़्ज़म अय्याम फातिमिया में मजलिस में अव्वल से आखिर तक तशरीफ फरमा रहते हैं। तो किसी ने कहा कि आपका आना ही बाबरकत है, आप आ जाते हैं, यही काफी है, बस आप बैठा करें और चले जाया करें। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता, यहाँ मैं तुम्हारे या किसी के लिए नहीं आता। कहा अय्याम फातिमिया की मजलिसों में मैं पूरे ईरान का रिस्क पूरे साल के लिए लेके जाता हूँ। यानी इतनी अता है, इतनी बरकतें हैं, और आज तो वैसे ही मेज़बान खुद हुसैन है, आज तो मेज़बान खुद इमाम हसन मुश्तबा हैं, और वक्त के इमाम आज की मजलिस के मेज़बान हैं। जनाब सैयदा की शिकस्त पहलू का वास्ता, बीबी आपकी उन तकलीफ़ों का वास्ता जो जाहिर हो गई, और उन तकलीफ़ों का भी वास्ता जो किसी को पता ही ना चले। जैसे खुदा के रास मख़फ़ी हैं ना, वैसे फातिमा की अजियतें भी मख़फ़ी हैं, छुपा लीं फातिमा ने अपनी अजियतें, छुपी हुई अज़ियतों का सदका। बहुत सी ऐसी बातें छुपी हुई हैं जो दिलों के अब दिलों के हाल जानती हैं परवरदिगार। बारे लहा जो जो यहाँ तशरीफ फरमाए, सबके नाम पर नाम हाजत रवाई फरमा। बारे लहा क्योंकि इख्तिताम मजलिस पर पुरसा देना है आपने जनाब ज़ैनब को, आज उनकी माँ का जनाजा उठाना, बल्कि उनकी माँ क्या कहूँ, अपनी माँ का जनाजा उठाना है। तो इब्तिदाई मजलिस में सिर्फ दो चार दुआओं के लिए आपको जहमत दे रही हूँ, क्योंकि कुछ ने बहुत इंतजार किया है कि आप प्लीज़ दुआ ज़रूर करवाएं। एक मरीज बहुत बीमार है, आकाजादी सैयदा का सदका, परवरदिगारा बीबी के शिकस्ता पहलू का वास्ता,
इमाम वक्त कहते हैं ना कि मुझे शिकस्ता पहलू का वास्ता ना दो, तो मैं कहती हूँ मौला आपको नहीं दे रहे मगर खुदा ने तो देखा है ना फातिमा का शिकस्ता पहलू। परवरदिगार तुझे वास्ता जनाब सैयदा के शिकस्ता पहलू का। जो मरीज़ बीमार है उन्हें डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है परवरदिगार तू काजीउल हाजात है, अल्लाह तू शिफा देने वाला है, तेरा नाम शिफा है, बार इलाहा उन्हें शिफा कामिला अता फरमा। अल्लाह मोजज़ा दिखा दे परवरदिगार, मोजज़ा दिखा दे ए मेरे बार इलाहा, तेरे दरबार में किस चीज़ की कमी है अल्लाह तू मोजज़ा दिखा दे। जो बीमार है उन्हें शफा कामिला अता फरमा। बार इलाहा जिन्होंने जिस रिस्क के खैर से ये मजलिस की है मौला इतना अता फरमा कि इससे बढ़कर मजलिस अज़ा कर सकें। ए मेरे पालने वाले हम सब के बच्चों को जनाब सैयदा के कल ग़ुलाम, जनाब सैयदा की कनीज़े बना दे। मौला ज़हूर इमाम में हमारे बच्चों का नाम भी लिख ले, मौला ज़हूर इमाम में हमारे बच्चों का हिस्सा भी डाल दे। या मेरे मालिक जो वक्त का हुसैन है उसकी नुसरत में उनके अंसारान में हमारी नस्लों का नाम लिख दे। बारे इलाहा जिसके दिल में जो हाजत नाम बनम हाजत रवाई फरमा। बारे इलाहा सबको करबला और शाम जन्नतुल बकिया का जव्वार बना। ए मेरे पालने वाले हमें अव्वल वक्त का नमाजी बना, जनाब सैयदा का सदका बारे इलाहा शुक्राने की नेमत अता फरमा। ए मेरे पालने वाले हमारी तमाम दुआओं से बढ़कर दुआ यूसुफ़ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा, इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके ज़हूर के रास्ते आसान करने वालों में शुमार फरमा। बराए कबूलियत हाजात बुलंदर सलवात। वाजल फराजा तो मोमिनात गिरामी सूरह तूर की आयत नंबर 21 को सरनामा कलाम बनाया था और उसमें अल्लाह गुफ्तगू कर रहा है ईमान वालों से, बात कर रहा है ईमान वालों से कि वो ईमान वाले कि जो ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनका इत्तबा किया तो अल्लाह क्या करेगा। अल्लाह महशर में उन्हें उनकी जुर्रियत को उनसे मुलहिक कर देगा, जोड़ देगा। और जब अल्लाह जोड़ेगा मुलहिद करेगा इल्हाक करेगा तो अल्लाह कह रहा है मैं किसी के अमाल में जरा भी कमी नहीं करता, मैं किसी के अमाल में जरा सी भी कोई कोताही नहीं करता और हर शख्स ने अपने अमाल मेरे पास रहन रखवाए गिरवी। अल्लाह के पास रहन है यानी आप तमाम मजमा जानता है गिरवी का मतलब क्या है कि काम आपका है, चीज आपकी है, निगरानी उसकी है। गिरवी जब आप कोई चीज रख देते हैं ना, रहन रख देते हैं तो मलकियत बदल जाती है। वो जब तक उसके लिए होती है तब तक वो मालिक होता है। तो अल्लाह ने कहा काम तुम्हारे हैं मगर मालिक मैं हूं। एक एक काम पे नजर है और याद रखो काम चलते तब है जब नस्लों में चले जाए। मेरी बात याद रखिएगा। जनाब सैयदा एक बेहतरीन खातून के जिन्होंने अपने घर को अपने होल्ड में रखा अपने हाथ में। याद रखिए मरकज़े किसा बनना आसान काम नहीं है, हैं चादर के नीचे का वाकया नहीं है। हम फातिमा हुआ व अबू हा व बालू हा व बनुहा नहीं है। अल्लाह तारुफ नहीं दे रहा कि फातिमा है, उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं, उनके बच्चे हैं। अल्लाह तारुफ नहीं दे रहा, अल्लाह बता रहा है कि रिश्तों को दरमियान में जो जोड़े रखती है वो हस्ती फातिमा है। देखें जनाब फातिमा को आज तीसरी मजलिस से तीन दिन से हम बीबी को डिस्कस कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं और मैंने कहा कि लाजवाल हस्ती हैं जनाब सैयदा। अगर हम अशरा भी कर लें ना तो तब भी हम हक फातिमिया अदा नहीं कर सकते। बीबी का तसव्वुर, बीबी का किरदार, बीबी की गुफ्तगू, कमाल तो यह है कि बीबी पैदा 1400 साल पहले हुई है जाहिरी तौर पर मगर मुहीत हर सदी पर है, हर सदी पर इख्तियार फातिमा का है। मैं ये जो मौजू में लेके चल रही थी कि बेहतरीन पहली शहीदाए मुजाहिदाए विलायत हैं फातिमा। आप गौर करें बीबी ने सिर्फ जंग नहीं लड़ी, जंग लड़ने का मतलब ये नहीं कि तलवार ना, कभी कभी किरदार इतना मुकम्मल हो जाता है कि उस किरदार से लड़ने के लिए तलवार की भी जरूरत नहीं रहती।
आज के दौर में फातिमा हर बच्ची से चाहती है कि उसका किरदार इतना खालिस हो कि उसे पुराशोभ जमाने से लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत ना पड़े। का अपने हथियार तेज करो। का क्या? का हया तुम्हारा हथियार है। याद रखिए, एक औरत आई थी जनाबे सैयदा के पास, आके कहने लगी, आकाजादी, आपके बाबा ने आज अजीब मोमिनों की खसूसियात बयान की, अजीब मोमिनों की क्वालिटीज बयान की। याद रखिएगा मेरी बात, याद रखिएगा, बीबी ने कमाल काम किया। वो खुतबे जो रसूल मस्जिद में देते थे, बीबी ने नस्लों में पहुंचा दिया है। मस्जिद के अंदर तो चंद लोग सुन के चले जाते थे ना, बीबी क्या करती थी, वही खुतबे घर की औरतों को सुनाती थी। और जब घर की औरतों तक पैगाम पहुंच जाता था तो समझ लीजिए पैगाम बच्चे बच्चे तक पहुंच गया। बीबी ने नस्लों पे काम किया है, बीबी ने नस्लों पे काम किया, नस्लों पे। ऐसे ही थोड़ी ना, ऐसे ही थोड़ी देखा सिर्फ इमाम हुसैन तक के इमाम ने है बीबी को, बस उसके बाद नहीं देखा किसी ने, किसी इमाम ने जनाबे सैयदा को नहीं देखा। मगर आप गौर करके देखिए, जिस इमाम की भी गुफ्तगू सुनिए, चाहे वो चौथे हो, चाहे पांचवें, चाहे बारहवें, हर इमाम की गुफ्तगू में जनाबे सैयदा का तस्करा ऐसे आता है कि जैसे हर इमाम की तरबियत करने वाली माँ का नाम फातिमा हो। और मजे की बात पता क्या है, किसी भी इमाम के रोजे पे जाए, ज़ियारत में यबना फातिमतु ज़हरा आता है, यानी अस्सलामु अलैका यबना फातिमतु ज़हरा, ए फातिमा के बेटे। चाहे आप मशहद में खड़े होके ज़ियारत पढ़ें, चाहे करबला में खड़े होके पढ़ें, और चाहे कबूर हाय आए बकैया के सामने पढ़े, ज़ियारतें मुख्तलिफ इमामों की है, माँ सबकी फातिमा है। यबना फातिमा यानी पता चला जनाबे सैयदा नस्लों से जुड़ गई, पाले सिर्फ दो मगर पैदा सिर्फ दो किए, मगर हर बेटे की जात का हिस्सा फातिमा बन गई। इसीलिए तो हमारे उल्मा कहते हैं ना, इसीलिए हमारे उल्मा कहते हैं अय्यामे फातिमिया आम कर दो, घर घर में फातिमा की मजलिस। बेटा घबराओ नहीं कि छोटी हो रही है, घबराओ नहीं के चंद लोग आ रहे हैं, घबराओ नहीं के पढ़ने वाली कोई बड़ी नहीं बुलाई तुमने। याद रखो, जो जिक्र फातिमा से मंसूब हो जाए ना, फिर वो मजलिस छोटी नहीं रहती, बहुत बड़ी हो जाती है। हर घर के अंदर मजलिस करो। क्यों? क्योंकि माँ का सोग करना नस्ल पे वाजिब है, वाजिब है। जितनी बैठी है ना आज घर में जाके, चाहे छोटी से कीजिएगा, जो खाना पकाया है वही रख दीजिएगा, उसी पे न्याज दिलवा दीजिएगा, उसे दस्तरखाने फातिमा से मंसूब कर दीजिएगा, खाना पका के साथ वालों के घर भी दे दीजिएगा, कहिएगा आज फातिमा का खत्म दिलवाया है। पूछे क्यों? ताकि उन्हें पता चले कि शहादत है, शहादत, बीबी की शहादत है। कोई आम दिन नहीं है आज बेटा, आज के दिन बीबी से खैरात मांगो, आज के दिन बीबी से, कल मैंने जुमला कहा था ना, तवस्सुल करो, तवस्सुल। तवस्सुल का मतलब क्या है? जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, और हाथ जोड़ के कहूं आज घर जाकर दो रकत पढ़कर वक्त के इमाम को हदिया करना, कहना इमाम जमान आपकी जद्दा का पुरसा, इमाम जमान आपकी जद्दा का पुरसा देने के लिए दो रकत पढ़ रहे हैं, दो रकत जनाबे फातिमा की बारगाह में हदिया करना, फिर उनसे तवस्सुल करना। क्योंकि जमाना बड़ा पुराशोभ है, जमाना बड़ा मुश्किल है, ज़ियारत फातिमा पढ़ना, और पढ़ने के बाद बेटा गिरिया अपनी इबादत, लेकिन फातिमा को राजी करने के लिए फातिमा वाली इबादत करनी पड़ती है। जो आकाजादी कर गई ना, वो करना है। बीबी से उनकी खास चीजें मांगे, घर, रिस्क, बच्चे, दौलत, ये तो वो सदके में दे देते हैं। फिदक को उठा के दे दिया था, ले मुझे नहीं चाहिए, खड़ी इसलिए हूं ताकि कल को कोई हक छीनने की जरूरत ना करे। बीबी का किरदार जो है ना, बहुत बड़ा किरदार है। एक 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 जुमला जनाबे सैयदा का कमाल। तो मोमिनात की तवस्सुल कीजिए बीबी से,
माशाल्लाह जो मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा तुम पे तो वैसे ही बीबी की नजर पड़ी है। कल मैंने जुमला कहा था ना, बीबी ताहिरा भी हैं और मुताहिरा भी हैं। उनसे जुड़ जाओ ताकि अंदर की गलाजतों को वो तहारत में बदल दे। उनके सामने अपने गुनाहों का इकरार करो, जनाबे सैयदा से उनकी अदाएं मांगो, दो दो रकत पढ़ के बीबी से कहो, बीबी दीजिए ना अपनी हया का जरा सा जर्रा मुझे दे दीजिए, अपने शुक्र का जरा सा जर्रा मुझे दे दीजिए, अपने सबर का जरा सा जर्रा मुझे दे दीजिए, बीबी मुझे शाकिरीन में पैदा करें, शामिल कर दे शाकिरीन, मुझे साबिरीन में, मुझे ताहिरीन में, मुझे हयादारों में। ये क्वालिटीज आ गई ना मेरा बेटा, तो सैयदा खुद जात का हिस्सा बन जाती है। बीबी का फरमान है, बीबी कहती है बच्चों को अपनी नस्लों को खुद से जोड़े रहो। कहा क्यों? कहा ताकि मुर्दा ना हो। हम मरते इसीलिए हैं, हम मर इसलिए जाते हैं कि हमने वो नस्लों में नहीं डाला जो हम कर रहे थे। हैं अपने काम, आपको क्या पता मैं बाहर क्या क्या कर रही हूँ? आपको क्या पता? आप सारे यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, कोई ना कोई काम तो चल रहा है ना आपका, अपने अपने हिस्से का कोई ना कोई काम तो कर रहे हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि चाहने वाला अली का हो और दीन का काम ना करे। कोई फाइनेंशियली करता है, कोई फिजिकली करता है, और कोई अपनी ताकत को इस काम में सर्व करता है कि नहीं? जो उसके पास वक्त नहीं है वो पैसे दे देता है। याद रखिए, ये ना सोचिए कि अगर कोई पैसे दे रहा है और वक्त नहीं दे रहा तो उसकी कदर और कीमत खुदा की बारगाह में नहीं है। नहीं, जो उसके पास है उसने दे दिया। अगर दीन के कामों के लिए माल ना चाहिए होता तो अल्लाह कभी खदीजा से अक्त ना करता। अल्लाह कभी खदीजा से अपने अपने हिस्से का काम करें, अपने अपने हिस्से का काम जो जिसके जिम्मे है वो करे। जिसके पास माल है वो माल राह खुदा में दे, जिसके पास जात है वो जात राह खुदा में दे, जिसके पास ताकत है वो ताकत दे, और जिसके पास वक्त है वो वक्त दे। जब सब अपना अपना हिस्सा डालते हैं ना, फिर काम जिंदा हो जाता है। लेकिन खुद नहीं, अकेली नहीं, बच्चे साथ। मैं तो सुलह के टपक के घर में आ गई है ना। बीबी ने कहा ऐसा करो कि तो मर जाओ। मुझे देखो आज तक जिंदा हूं। मैंने कहा आकाजादी कैसे जिंदा है? कहा तुमने नहीं देखा मेरी जितनी बेटियां बैठी हैं। बेटा बहुत मुख्तलिफ मौजू से फातिमा पढ़ रही हूँ, यही तो समझा रही हूँ कि बीबी किस अंदाज से आपको लेके चलनी, उसे समझे तो सही। कभी चाहे फजाइल हो, चाहे मोजज़े हो, चाहे मसाइल, चाहे चादर के नीचे आयत का उतरना, चाहे जन्नत से खाने का आना, चाहे मलाइका का दर्जी बन के आना, चाहे तीन दिन मलाइका का फकीर असीर मिस्कीन बन के रोटियां लेके जाना हो, चाहे बैतुल हुजन में गिरिया करना हो। पहले मैंने फजाइल आपको इसलिए सुना ताकि आपके जहन मेरे साथ जुड़े। चाहे बैतुल हुजन में गिरिया करना हो, चाहे जलते हुए दरवाजे को हाथों से हटाना हो, चाहे चौराहे पे खड़े होकर अली की मुहाफिजत करना हो, चाहे भरे दरबार में फिदक लेने जाना हो, चाहे एक एक दरवाजे पे रात को दस्तक दे के अली के हक के लिए जंग लड़ना हो, इन किसी भी मुकाम पे फातिमा बगैर बच्चों के नहीं। बताएं बताएं बताएं, क्या चादर के नीचे बच्चे नहीं थे? क्या रोजों में बच्चे शामिल नहीं थे? मेरे साथ बोलिए, शामिल थे? रोजे रख रही हैं, फकीर आ रहा है, असीर आ रहा है, बच्चे शामिल थे या नहीं थे? शामिल थे। चादर के नीचे आया है, तथीर उतर रही है, बच्चे शामिल थे। कनीज आसमान से खाने मंगवा रही है, बच्चे शामिल हैं। अब बीबी जहां पर जा रही है दरवाजों को खटखटाने, लगाम हसनैन के हाथ में पकड़ा के लेके जा रही है, रोने के लिए बैतुल हुजन जा रही है, बीबी बच्चों को घर छोड़ कर जाए, मगर बीबी कहती नहीं, दोनों की उंगलियां पकड़ कर जा रही है, चौराहे पे हसन की उंगली पकड़ के गई है, फिदक लेने दोनों बच्चों को साथ लेके गई है। बीबी क्यों? मैं और आप हैं, कभी सोचे? कल परसों मैंने पढ़ा था ना बैतुल हुजन, कहां दूर। बच्चों की उंगली पकड़ के चलना आसान नहीं है। हम में से आधी माएं
मजलिसों में आते हुए बच्चों को छोड़ के इसलिए आती हैं कि वो स्लो चलते हैं, है ना? ये नहीं, वो तंग करेंगे, वो देर लगाएंगे, उन्होंने ये करना है, उन्होंने ये करना है, इसलिए इनको सुला कर, अगर सो नहीं रहे तो मोबाइल देकर आ जाती है। बातें बुरी तो नहीं लग रही हैं, देख के आ जाते हैं, बच्चों को दिखा कर बिठा कर हम आ जाते हैं। अब बच्चे को तो आप बिठा के आ गई, बच्चे को क्या पता कि तीन जमादी उसानी को क्या हुआ, आप तो रो के घर चली गई, नस्लें आप पे रोएंगी जब तक ट्रांसफर नहीं करेंगी। सैयदा ने सिखाया कि नस्लों से जुड़ना क्या है, कि तुम मर भी जाओ तो तुम्हारा आखिरी बेटा भी आके यही कहे अना यबना ज़हरा। अगर मकसद मजबूत हो, अगर मकसद कामयाब हो, आप नेकी के लिए हुक्म है कि दाहिने हाथ से दो भाई को पता ना चले, हुक्म है ना, मगर ये नहीं कहा कि नस्ल को भी ना पता चले माँ बाप करके क्या गए। जो करें, माल हो, जान हो, वक्त हो, आपका हो, मगर दिलवाएं बच्चों के हाथ से। का क्यों? कहा ताकि उन्हें पता चले कि देने का मजा क्या है। हम जब बच्चों के सामने रोते रहेंगे ना, तो बच्चों को लगेगा कि इनके पास तो खुद कुछ नहीं है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा, उन्हें बच्चों के हाथ से दूसरों को दें ताकि पता चले कि तरबियत कैसी है। मेरी बात याद रखिएगा, महशर के मैदान में कोई किसी को ओन नहीं करेगा, ना माँ बच्चों को करेगी, ना बच्चा माँ को करेगा, ना वालदैन बच्चों को पहचानेंगे। तो फिर ये जो आयत सूरह तूर की मैंने पढ़ी है, इसमें वो कौन सी माँ है, वो कौन से वालदैन है कि जिनसे उनकी जुर्रियत मिलेगी, लेकिन मिलने के लिए कंडीशन क्या होगी, जिन्होंने उनकी पैरवी की होगी वही उनसे मिलेंगे। तो पता चला कोई आम मां नहीं, उम्मत की मां फातिमा। ये मैं और आप अम्मी नहीं है, हमने तो महशर में पहचानना भी नहीं अपनी औलाद। हाँ, ये तो खुदा के करम है कि खुदा पुकारेगा मां के नाम से। पता क्यों? ताकि ऐब ना खुले, ऐब ना खुले। क्योंकि पुराने वक्तों में ये जो आप अगर पढ़ें, इब्ने कसीर, इब्ने अवाम, इब्ने फलां, यानी ढेर सारे वालदैन, वालिद रखने वाले, तो अल्लाह ने जब ये पर्दे डाल दिए तो अल्लाह ने कहा अब मैं भी पर्दा रखूंगा, अब मैं भी छुपाऊंगा, क्योंकि बाप जितने भी हो माँ तो एक ही है ना। तो अल्लाह ने पर्दे रखने के लिए माँ का हवाला रखा। लेकिन ये जो आयत मैंने पढ़ी, इसमें अल्लाह ने कहा इत्तबा जरूरी है, मुल्हिक ऐसे नहीं होंगे, जुड़ेंगे ऐसे नहीं। कब जुड़ेंगे? जब काम आपके हो और सीरत उनकी हो। कसम खा के बताएं, क्या फातिमा ने अपनी सुन्नत आप में ट्रांसफर नहीं की? ये बीबी फिदक लेने क्यों पहुंच गई? ये बीबी बैतुल हुजन में गिरिया क्यों करती रही? ये बीबी वसीयत क्यों करके चली गई, मेरी कब्र के निशान मिटा दो? फातिमा कितनी गुर्बत। आज जनाजा है ना बीबी का, जनाजा। बीबी ने अपनी मीरास आपके अंदर उंडेली है। याद रखिएगा, जनाब सैयदा पे रोने के लिए शिया होना जरूरी नहीं है। मेरे हाथ जुड़े में शिया होना जरूरी नहीं है। जनाब सैयदा को शियत में कैद ना करें। जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, जो कहते हैं अशहदुन्न मुहम्मदुर रसूलल्लाह, जो जो कहते हैं, ना कहो अलीउन वलीउल्लाह, ना कहो मुहम्मदुर रसूलल्लाह तो कहते हो ना, तो जो कहता है आज रसूल के कुंबते खिजरा का तसव्वुर करके कहे या रसूल अल्लाह, आज हम आपकी बेटी के शिकस्ता पहलू का पुरसा देने आए हैं, आज हम आपकी बेटी के शिकस्ता पहलू का। देखो, चहारदा मासूमीन में बताऊं सबसे गरीब कौन है? हुसैन को गरीब कहती हैं आप, कभी कभी सैयद सज्जाद को गरीब कहती हैं,
कभी जनाबे सैयदा को गरीब कहती हैं, कभी इमाम रजा को गरीब कहती हैं, मगर कसम खा के बताऊं मुझे सबसे ज्यादा गरीब कौन लगते हैं, मुझे सबसे ज्यादा गरीब रसूल लगते हैं। हयो सोचो तो सही ना, आज तक कभी किसी ने गुंबद खिजरा के नीचे खड़े होके नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह 18 साल ज़ईफ बेटी का पुरसा लीजिए, आजादारों जिसका जनाजा शब में उठा, शब शब हाय। आज चुन चुन के बुलाया है ज़ैनब ने आपको, चुन चुन ये जो आई हो ना, आई नहीं हो, आज बुलाया है किसी ने, क्योंकि जो जनाजा मदीने में उठा था ना, उसमें तो आवाज बुलंद हुई नहीं थी, जलते हुए दरवाजे के पीछे से किसी माँ ने तुम्हें पुकारा, या अबा साहले अदरिकनी, ऐ मेरे बेटे की नस्ल आ जा, अरे जलता हुआ दरवाजा, अरे क्या करूं। मुश्किल जनाजा है आज का, खुदा आपके सरों पे माए सलामत रखे। मैं तो ये सोचती हूँ अगर फातिमा ना होती तो हम जैसों की माँ कौन होता कि जिनके सरों पे माओं के साए ना हो। 18 से जनाब सैयद 18 से आज रो के कहिए फातिमा, आज तमाम बेटियां बन के आई हैं, आज जो जो घरों में भी सुन रहे हैं ना, बीबी का जनाजे का तसव्वुर करो, बड़ा गरीब जनाजा, मदीने का गरीब जनाजा कि जिस पे रोने की इजाजत नहीं थी, अजादारो अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने अहले बैत के जनाजे खामोश क्यों उठ जाते हैं, अल्लाह जाने इनके जनाजे खामोश क्यों उठ जाते हैं। अजादारा ने इमाम याली याली मेरे बाद अक्दसानी कर लीजिएगा, ठीक है, वसीयत कर दी फातिमा ने याली, लेकिन मेरे बच्चों का हक ना मारिएगा, अभी अर्ज कर रही हो ना, मेरे बच्चों का हक ना मारिएगा याली, मेरे बच्चों को झिड़किएगा ना। और एक जुमला कह दूं, अगर हाथ खुले हैं तो तुम्हें कसम है फातिमा की खुले हाथों से, अल्लाह जाने माँ क्या सोच रही थी, याली जब तक मेरा हुसैन ना हटे मैयत ना उठाना, मेरा हुसैन बड़ा मजलूम है, उसकी मैयत नहीं उठेगी जब तक मेरा हुसैन ना उठे, अरे तब तक मैयत ना उठाना याली याली, फला मेरे जनाजे पे ना आए याली, जिन्होंने मेरा दरवाजा जलाया मेरे जनाजे पे ना आए याली, आज बीबी के मसाइब है इसलिए आज मैं खुल के जुमला कहूंगी, जिन्होंने मेरे रुखसार पे तमाचा मारा मेरे जनाजे पे ना आए। लोग कहते हैं किस में जुर्रत, तो हम भी तो यही रोते हैं किस में जुर्रत, के बिनते रसूल सारी जिंदगी अपना दाहिना चल अपने दाहिने रुखसार पे रख के अली से छुपाती रही। अजादारो बड़ा गरीब है तुम्हारा इमाम, आज गुर्बत का पुरसा, आज अली की गुर्बत का पुरसा, वो जनाजा जो अली ने बड़ी मुश्किल से उठाया। एक जुमला पढ़ दूँ, जनाजा नहीं पढ़े, एक जुमला पढ़ दूँ। किसी ने पूछा था या अली खुद को सबसे ज्यादा गरीब कब महसूस किया। देखो ये जो शौहर और जौजा का रिश्ता है ना, ये बड़ा मजबूत रिश्ता है। जब फातिमा ने कहा था ना अली अलविदा, तो किताबों के जुमले हैं अली बिलक बिलक के रोए थे। फातिमा ऐसा ना कहिए, फातिमा अली दुख किससे कहेगा, फातिमा दिल के हाल अली किससे सुनाएगा। आज बगैर शर्माए हुए पुरसा देना, आज माँ के जनाजे पे आई हो, अरे खुल के कहना अम्मा जहरा, आज अली
आजादारों आजादारों। मौला से पूछा, मौला गरीबी कब महसूस हुई कब? तो मौला ने पता क्या जुमला कहा? मौला ने कहा, देखो सबसे ज्यादा गुर्बत मुझे कब एहसास हुआ कि मैं कितना गरीब हूँ, कब? का जब मैं फातिमा का जनाजा लेके चला ना शब की तन्हाई में, शब की तन्हाई में जनाजा अली ने उठाया लेके चले, का जब मैं फातिमा का जनाजा लेके चला ना, कहा जब मैं कब्र खोद चुका फिर मैंने हाथों से इशारा किया, सलमान तुम भी जाओ, अबाज़र तुम भी जाओ, हैं जब सबको इशारा कर दिया, मिकदाद सबको हटा दिया, हटा दिया अब सब चले गए, कहा लेकिन कसम खा के बताओ जब किसी औरत को कब्र में दफन करना होता है तो कम से कम कितने महरम चाहिए होते हैं, कम से कम कितने महरम? कहा कम से कम दो चाहिए होते हैं, एक जो कब्र में उतारे और दूसरा जो कब्र में लिटाए। अली ने कहा जब मैंने सबको भेज दिया फिर मुझे एहसास हुआ मेरा हुसैन तो बहुत छोटा है, मेरा हसन तो बहुत छोटा है, हाय मैं फातिमा को कब्र में कैसे उतारूं। कहा मैं कब्र के सिराने बैठ के रोया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह आज अली गरीब हो गया, या रसूल अल्लाह अरे फातिमा को दफन कैसे करूं। कहा कब्र में से दो हाथ आए, आजा फातिमा आजा मेरी आगोश में आजा। अली ने रो कर कहा इन्ना लिल्ला, हायो लोगो मातम करो, अरे माँ का जनाजा हर बीबी रो के कहे अम्मा जहरा आपकी गुर्बा, हायो गरीबी। आज रोक सत हो रही है तुमसे जहरा याली, आज रोक सत हो रही है तुमसे जहरा याली, आज रोक सत हो रही है तुमसे जहरा याली, आज रोक सत हो रही जहरायाली, आज रोग सत हो रही है तुमसे 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 जहरायाली, पर्दाए शब में मेरी मैयत उठाना याली, आज रोग सत हो रही है तुमसे जहरायाली, आज रोग सत जहरायाली, पर्दाए शब में मेरी मैयत उठाना याली, आज रोग सत हो रही है तुमसे जहरायाली, आज रोग सत हो रही है तुमसे जहरायाली, पसलियाँ तोड़ी गई कैसे ये बतलाऊंगी मैं, हश्र के मैदान में भी इस हाल में आऊंगी मैं, हाथ पहलू से मेरा
से जहरा या ली आज रोक सा हो रही है तुमसे जहरा या ली वो मुसीबत आपने अच्छा हुआ देखी नहीं अब मैं सीधे हाथ से तस्बीह भी पढ़ सकती नहीं ऐसा कुन मुझ में है मारा ताजियाना याली आज रोक सा तुमसे जहरा याली आज रोक सा कहती है ज़ैनब ये मुझसे देख कर चेहरा मेरा आपके रुखसार पर ये नील है कैसा पड़ा मैंने खाया है तमाचा ना बताना याली आज रोक सा हो रही तुमसे जहरा याली आज रोक सा हो रही है तुमसे जहरा याली जब मेरी तलकीन पढ़ना याद कर लेना जरा डर के गिरने से मेरा बाजू भी है से जहरा याली आज रोक सा हो रही है तुमसे जहरा याली ताजियाने की अजियत का उठाना एक तरफ वो तमाचे कत्ल मोहसिन दर जलाना से जहरा याली आज रोक सा हो रही है तुमसे जहरा याली चाहे आ जाए कयामत मुझसे ये वादा करो जब तलक मौला मेरे शब्बीर की जहरा याली आज रोक सा हो रही है तुमसे जहरा याली जब से आई हूँ पलट कर फिक्र है मुझको यही मैं तो पर्दे में गई थी फिर भी सही जहरा करबला में जब मेरे मजलूम पर खंजर चले प्यास के आलम में वो गाजी को जब से जहरा याली आज रोक सा हो रही है तुमसे जहरा याली हाथ पहलू पर रखे
बोली तकल्लुम फातिमा, मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कह देना जरा, जल्द आए मेरे महदी का जमाना, याली आज रुखसत हो रही है तुमसे जहरा, याली आज रुखसत हो रही है तुमसे जहरा, हुसैन 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 शहीद हुसैन।